क्या चीज का मांस है ये? जो सूअर का है। सूअर का बोलता है। अच्छा केकड़ा है। इसका क्या प्राइस है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरी इस भारत यात्रा की सीरीज में आज मैं पहुंच चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं दुमदुमा, और आज मैं मार्केट में आया हूं। तो आपको यहां का मार्केट दिखा देते हैं, कैसा लगता है यहां का मार्केट और क्या क्या चीज़ें यहां पर बिक रही है। चलिए चलते हैं और देखते हैं भाई साहब दुमदुमा का ये खूबसूरत सा। तो भाई साहब ये पोर्क है ना? पोर्क है ना? क्या चीज़ का मांस है ये? जो सूअर का है। सूअर का? सूअर का है। तो क्या है इसका केजी कितना है इधर? 400 रुपये। तो भाई साहब ये मार्केट है दुमदुमा का, और यहाँ पर मतलब पोर्क का बहुत ज़्यादा चलन है। पूरे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको पोर्क बहुत अधिकता में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बिक रहा है, ये भी पोर्क ही है। आधा किलो 150। तो मतलब किलो 300 रुपये किलो। यहाँ पर रेट कम है थोड़ा सा। अच्छा, ये क्या है भैया? ये मटन मांस है। क्या चीज़ है? अच्छा, मतलब उसका पूरा कोटा वगैरह है। सुअर का क्या चीज़ है ये? माथा टू है, पोटा टू है। अच्छा अच्छा, केजी कितना है इसका? केजी 300 रुपये केजी। अच्छा, तो ये सब ड्राई मच्छी है। क्या बोलते हैं दादा इसको? इसको हाँ सूखा मांस। सूखा मांस बोलते हैं, मतलब मछली को मांस बोलते हैं इधर? ना ना, तो मछली बोलते हैं। अच्छा, तो लेकिन इसको सूखा मांस बोलते हैं। तो क्या क्या, कौन कौन सा प्रकार का है ये? कितना है? अलग अलग प्रकार का। अलग अलग प्रकार का। क्या क्या केजी है इसका? क्या कितना कितना रेट कितना है इसका? 400-500 रुपये केजी है इसका। अच्छा, सबसे इसमें से डिलीशियस कौन सा, सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? सब बढ़िया है। नहीं, आपको कौन सा बढ़िया लगता है? कस्टमर के ऊपर है। अच्छा, कस्टमर को जो अच्छा लगेगा वो। ओके ओके, मतलब ये छोटा छोटा का अलग प्राइस है, बड़े का अलग होगा? हाँ, इन सब का अलग होगा, ये सब का अलग। नाम क्या भी है? सिंह मांगुर बोलता है इसको। अच्छा, सिंह मांगुर। हाँ, ये तो बोलता है सिंगी। अच्छा, ये तो बोलता है मांगुर। अच्छा, ये तो बोलता है गोरो चेंग। अच्छा, ये तो बोलता है नगा चेंग। तो क्या क्या इसका केजी कितना कितना है? 500। अच्छा, 400, 600-700 भी चलता है। 600-700 भी चलता है, मतलब सबसे महंगा वही है। अच्छा, केकड़ा बोलता है। अच्छा, केकड़ा है। इसका क्या प्राइस है? 110-120 रुपये किलो, 400-200 बिका जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब एक पीस का 10-20 रुपये। ये तो नॉर्मल फिश है ना भैया? क्या फिश इसको क्या बोलते हैं? ये रोहू। रोहू है? रोहू का बच्चा है, ये मिरी का है। अच्छा अच्छा, अलग अलग है, ये भांगन है। तो क्या क्या प्राइस है इसका? किलो कितना है? 240 रुपया। और ये भी 200? ये 200, ये 700 रुपया। अच्छा, ये वो वाला है क्या? क्या नाम है? गुरोई बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये गुड़ है क्या भैया? देसी गुड़ है? देसी गुड़ है ना ये? गन्ना का गुड़ है। मतलब घर से निकाला हुआ है कि मार्केट वाला है ये? ना, घर का है। अच्छा, घर का है ये। क्या केजी कितना है इसका? 70 रुपीज केजी। ये क्या चीज का पत्ता है भैया? सादा है सर। क्या चीज का है? खैनी है, खैनी चुना। अच्छा, तम्बाकू वाला है? तम्बाकू वाला। हाँ। अरे भाई, तो तम्बाकू का पत्ता इतना बड़ा होता है? हाँ, ये चौड़ा होता है। अरे वाह, इससे भी बड़ा होता है। तो ये एक पीस कितने का है ये वाला? ये वजन हिसाब है, 100 ग्राम 30 रुपये। 100 ग्राम 30 रुपये, मतलब इसको वो पीस के फिर तम्बाकू मलते होंगे? मल के खाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या राजमा है? अच्छा, और इसका सब्जी बनता है क्या, केले का? अरे वाह, ये यूनिक चीज है। इसका नाम क्या है? ढेकिया। ढेकिया कितना है केजी ढेकिया का? केजी नहीं, मुठा। अच्छा, वो जुड़ी हिसाब से मिलता है? कितना है जुड़ी उसका? 10 रुपए। ओके, राजमा है ना?
तो भाई साहब ढेकिया है और ये गाजर का मतलब कलर अलग ही लग रहा है, संतरे कलर का गाजर लग रहा है। नहीं कितना भी है केजी इसका? 30 रुपया। देसी मुर्गी भी है ये बता क्या? अच्छा तो कितना केजी कितना है इसका? टका कितना टका बता? 400। और इसका ₹600। तो भाई साहब यहाँ पर बत्तख और मुर्गी दोनों का मतलब कीमत अलग अलग है, 400 रुपये देसी के देसी का और 600 रुपये बता रहे हैं उसका बत्तख का। तो और मार्केट आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर सब्जियाँ भी बिक रही हैं। तो मतलब सब्जियों का ऐसा ऐसा है, कुछ सब्जियाँ हमको मतलब बिल्कुल नई देखने को मिल रही है। तो ये लग रहा है नींबू है, ये नींबू है ना? तो भाई ये मतलब अलग ही टाइप का नींबू है यार, मतलब बहुत लंबा लंबा है शाम का नींबू कुछ है इस तरीके से। ये क्या है? वो आँख है। तो भाई साहब ऐसा लगता है कुछ असम के दुमदुमा में छोटा सा मार्केट है, छोटा सा हाट बाजार है, मतलब खासकर ये बिहू के ओकेजन के लिए मतलब अभी लगा हुआ है रेलवे पटरी के किनारे में। तो हमने सोचा कि आपको एक झलक ज़रूर बताया जाए दुमदुमा असम के मार्केट का कैसा सीन रहता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। वीडियो अगर अच्छी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।